पनिया छह निवासी 32 वर्षीय सूरजमुखी ने जहर खाकर की आत्महत्या। कल रात पति राजकुमार से झगड़े के बाद खाया था जहर। हालत गंभीर होने पर पहले बैजोई फिर चंदौसी के बाद जिला अस्पताल लाई गई, जहां पर सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। बताया जाता है कि मजदूरी करने वाला राजकुमार जब देर शाम घर लौटा तो बेटे गोविंद ने मां सूरजमुखी से खाना मांगा। उसने बेटे से कहा खाना पापा से ले लो, फिर क्या। राजकुमार ने पत्नी को फटकार लगा दी और छत पर सोने चला गया। कमरे में बड़ी बेटी और बेटा अंशुल रह गए और तीसरा छोटा बेटा पिता के साथ छत पर चला गया। कुछ देर बाद ही चीख पुकार सुनकर पति नीचे आया और पत्नी को उपचार के लिए लेकर भागा। कल रात को ये हुआ था, बच्चे खाने के विरोध में इन्होंने उससे कहा खाना दे दो। खाना देने के बाद इन्होंने धक्का मारते में तुम खाना दे दे, उसके बाद मैंने इसे डांट दिया। डांटने के बाद थोड़ी देर बाद बाहर बैठ गए, फिर मैं छत पर सोने चला गया। फिर इसने अंदर से पता ना कौन सा पदार्थ खाया, जैसे इसने पदार्थ खाया तो मैं लेकर रातों रात भागम भाग चल गई। सुबह 5 बजे आकर इन्हें दम तोड़ा। कहाँ पे? अस्पताल तो कई साल हो गए। अच्छा, तो क्या बीच में कोई शिकायत वगैरह आई थी? कुछ आती रहे, एक साल बीते आई जाए। खबर खबर आपको क्या लगता है इसमें? अब क्या कहते हैं,